दुख, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ हम सबकी लाइफ का एक जैसे पार्ट हो गई है। हम सब लोग कहीं ना कहीं जिंदगी में इस दौर से गुजरते ही हैं, और उस टाइम पे हमारे मन में एक ही ख्याल आता है जो बहुत ही गलत कदम होता है कि हम सुसाइड कर ले। डिप्रेशन के चलते हमसे इतना गलत कदम उठ जाता है कि हमारे साथ साथ हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, सबको परेशानियाँ हो जाती है। तो इसी के चलते मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टोरी के थ्रू आपकी लाइफ में भी जो परेशानियाँ हैं वो निकल जाए। आप अगर डिप्रेशन में, थोड़े बहुत भी डिप्रेशन में है, तो उससे बाहर आने में ये आपको हेल्प कर दे। तो एक इंसान था हमारी तरह, वो एक बार एक संत के पास जाता है और संत से बोलता है कि संत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तो तीसरी आ जाती है, हर टाइम कुछ ना कुछ परेशानियाँ मेरे साथ चलती ही रहती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं ये परेशानियों से बाहर आ जाऊँ और मैं हैप्पी रह सकूँ। तो संत ने बोला कि बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर दूंगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें भी दूर कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें आज के लिए एक काम करना है। आज के लिए तुम घर पे जाओ, कल मेरे पास वापस आना, और कल मैं तुम्हें ये परेशानियों में से बाहर निकलने का रास्ता दे दूंगा। और फिर बोला कि आज के लिए मेरे पास 100 कैमल है, वो कैमल लेके तुम अपने घर पे जाओ, और रात को जब सारे कैमल एक साथ नीचे बैठ जाए उस टाइम पे तुम सो जाना, तब तक तुम्हें सोना नहीं है। वो इंसान ने बोला, ठीक है, एक ही दिन का सवाल है, उसके बाद तो मेरी लाइफ की सारी परेशानियां दूर ही होने वाली है। तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो 100 पूरे के पूरे 100 कैमल लेके अपने घर पे जाता है। और फिर दूसरे दिन वही कैमल लेके वो संत के पास आता है, तो बोलता है कि अभी मैंने आपका टास्क फिनिश कर दिया, अभी आपको मुझे सॉल्यूशन देना है कि किस तरह मैं अपनी परेशानियों से दूर हो जाऊं और हमेशा के लिए खुश रहूं। संत जी ने बोला, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, पर पहले तो मुझे ये बता कि कल की रात तुम्हारी कैसी गई। तो वो इंसान बोलता है कि कल की रात के बारे में आप कुछ पूछो ही मत तो अच्छा है। तो संत जी ने बोला, ऐसा क्यों, क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वो इंसान बोलता है, कल पूरी रात मैं सो ही नहीं पाया। संत जी ने पूछा, क्यों, क्या रीज़न है कि तुम सो नहीं पाए। तो वो इंसान ने बोला कि ये 100 ऊँट है, उसमें से कई सारे ऊँट ऐसे थे जो अपने आप ही बैठ गए, कितने कैमल्स ऐसे थे जिनको मैंने बहुत फोर्स किया, बिठाने की बहुत ट्राई की, उसके बाद वो बैठे, और थर्ड कैटेगरी के जो कैमल है उसको मैंने बिठाने की इतनी ट्राई की, इतनी कोशिश की, उसको मारा पीटा, फिर भी वो नहीं बैठे, वो ऐसे के ऐसे ही रहे। और हालांकि उसमें से कोई कैमल डर के मारे बैठ भी गए, तो उस टाइम पे बाकी वाले कैमल उठ जाते थे, तो सारे कैमल एक साथ बैठ ही नहीं सके और मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। तो संत ने बोला कि बेटा, इसी से हमें कुछ सीखना है, और आप लोगों को भी इसी में से ये मोरल लेना है कि हमारी लाइफ की परेशानियाँ भी 3 कैटेगरीज की होती है। फर्स्ट टाइप की, वो फर्स्ट कैमल वाली कैटेगरी की होती है, जो हम कुछ बिना कुछ किए ही वो बैठ जाती है, अपने आप उसका सॉल्यूशन आ जाता है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ ऐसी होती है जिसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, जिस तरह वो सेकेंड टाइप का कैमल था, उन लोगों को बिठाने की ट्राई की, उसके बाद वो कैमल्स बैठे, उसी तरह कितनी परेशानी ऐसी होती है जिसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स वो थर्ड कैटेगरी के कैमल्स की तरह होती है, जिसे हम कितनी भी ट्राई करें, कितनी भी बिठाने की ट्राई करें, पर वो नहीं बैठती है, वो ऐसे के ऐसे ही रहती है। पर हाँ, अगर हम उसे टाइम दें तो वो बैठ जाएगी। अगर थर्ड टाइप की कैटेगरी के कैमल्स को भी तुमने टाइम दिया होता, 2 दिन 3 दिन, तो वो अपने आप ही बैठ जाते। उसी तरह हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स जो थर्ड कैटेगरी में आती है, उसका भी यही है, हमें उसे टाइम देना पड़ता है, टाइम रहते वो परेशानियाँ भी सॉल्व हो जाती है, वो ऐसे की ऐसे नहीं रहती है। तो इससे हमें यही मोरल मिलता है कि हमारी लाइफ में भी जितनी परेशानियाँ हो,
कुछ ना कुछ बैठ जाएगी, कुछ के लिए हम ट्राई करेंगे, पर कुछ परेशानियां के लिए आप कितना भी कुछ कर ले वो बैठने वाली नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है सिवाय के टाइम। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम रहते वो परेशानियां अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में परेशानी है तो हम डिप्रेशन में आ जाए, डिप्रेशन के रहते हम कुछ गलत कदम उठा लें। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड सारी दुनिया, मतलब सारे बॉलीवुड सब लोगों को हिला के रख दिया है, और सबके मुंह में एक ही चीज़ है कि ऐसे क्या चीज़ उसके पास नहीं थी, सब कुछ उसने पा लिया था, फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि वो अकेला हो गया, उसकी किसी से बात नहीं हुई, बहुत सारे र्यूमर्स उसके बारे में ऐसे फैल रही है। तो इस टाइप के थिंकिंग आपके दिमाग में ना आए। अगर आप लोगों में से कोई डिप्रेशन से थोड़ा बहुत भी जा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है वो लोग भी दे दे। और एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको कोई जोक सुनाऊँ, एक बार दो बार तीन बार मैं सेम जोक रिपीट करूँगी, तो आप एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, तीन बार, एक ही जोक पे आप बार बार नहीं हंसने वाले हैं। उसी तरह दुख के लिए एक ही दुख है, फिर भी उसके लिए आप बार बार रोते क्यों हो? अगर एक जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक दुख के लिए बार बार रोना भी बंद कर दो। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और निकलने ही वाला है, बस अपने दिमाग को शांत रखिए, आपको अपने आप ही उसमें से निकलने का वे मिल जाएगा। जैसे ही आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा वैसे आपको अपनी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में से निकलने का सॉल्यूशन 100% मिलने वाला है। और कितनी प्रॉब्लम्स को आप टाइम दीजिए तो वो टाइम के रहते अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।